press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज दोबारा हम एक बार आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को भारतीय मौलाना साजिद रशीदी से भिड़ते हुए। आप पहले भी देख चुके हैं कि इन दोनों की भिड़ंत बहुत ही मजेदार होती है, जहां आरजू काजमी के तीखे सवालों का जवाब मौलाना हमेशा अपने तथ्यों से देने की कोशिश करते हैं पर फंस जाते हैं। बेशक हम हिंदुस्तानी हैं और आरजू काजमी एक पाकिस्तानी, पर हम हमेशा सच का साथ देने में विश्वास रखते हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है, तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा बात करेंगे मुसलमानों की, और ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स की बात करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उनका एक खास तरह का आजकल हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन है, और लोग ये बातें करते हैं कि जी टेररिस्ट क्यों इस्लाम से ही ज्यादा निकलते हैं, क्यों एजुकेशन में मुसलमान पीछे है, और इसी तरह की दूसरी कई चीज़ें ऐसे हैं, कई सवालात ऐसे हैं जो लोग पूछना चाहते हैं। और बहुत बार हमें बल्कि ये शायद हमें इजाज़त भी नहीं दी जाती कि हम सवाल उठा सकें। ऐसा इस्लाम में क्यों है? हमें जी ज्वाइन करेंगे भारत से मौलाना साजिद राशिद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच मौलाना साहब। आदा, मैं आपसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और आज मैं थोड़ी सी आपसे ये बातें समझना चाहूँगी इस्लाम के बारे में कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, ये दोनों मुल्कों के जो मुसलमान हैं, ये बाकी कंट्रीज से हमें अलग से क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि बाकी जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम उम्मा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इस किस्म की बातें नहीं होती कि हम एक दूसरे को काफिर करार दे दें, हम अगर कोई मज़हब बदलना चाहे तो उसको जान से मारने की धमकियाँ मिल जाएं, या इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं देखते जो हम इन दोनों मुल्कों के मुसलमानों को देखते हैं। ये इतने ज़्यादा अग्रेसिव मुस्लिम्स आपको इन दोनों कंट्रीज़ में क्यों नज़र आते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैं समाज में रहते हुए जिन चीज़ों को समझा हूँ, उसकी दो वजह है। एक वजह है दीन से दूरी, क्योंकि हमने इस्लाम को सही पढ़ा नहीं, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में हम लाए नहीं। दूसरी वजह है सियासत। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं और इन चीज़ों को जानबूझकर हवा देते हैं कि साहब ये बरेलवी हैं, ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, और जो हमारे उलमा हैं, माफ़ कीजिएगा मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हमारे जो उलमा हैं वो उलमा भी सियासत से चूँकि प्रेरित होते हैं, सियासत उनके अंदर उनके दिमाग में होती है, तो वो उस सियासत को सामने रखते हुए इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं कि भाई ये फला बरेलवी है तो ये काफिर है, या बरेलवी कहेंगे कि साहब देवबंदी है तो ये काफिर है। मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, दीन इस्लाम एक है, पूरी दुनिया का इस्लाम एक है। इस्लाम में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है कि भाई ये बरेलवी है तो ये अच्छा है, ये देवबंदी है तो ये अच्छा है, ऐसी कोई तफरीक दीन में नहीं। तफरीक हमने पैदा की है, यानी ये कहिए कि जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूरी होती गई, ताबईन तबे ताबईन और सहाबाए कराम के ज़माने से दूरी होती गई, इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पैदा कर ली और वो उस वक्त के उन आलिमों ने अपने मफाद की खातिर इस्लाम में कुछ नई चीज़ें, फ़िरका बंदी एक तरह की चीज़ें पैदा कर ली हैं, जिसकी वजह से आज हम इस दहाने पर पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे को काफिर करार देते हैं। और यही नहीं बल्कि कुछ जगहों पर तो ऐसा भी है कि अगर बरेलवी लोग देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लें या देवबंदी बरेलवी का निकाह करा दे तो जितने लोग उस निकाह में शामिल हों सबका भी निकाह टूट जाता है। ऐसी बहुत सारी मिसाल हमें देखने और सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो ये दीन से दूरी का नतीजा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने दीन को सही पढ़ा नहीं। दीन तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, यानी एक फ़िरका ज़्यादा होगा।
सहाबाए कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा? तो आपने ना तो देवबंदी का नाम लिया ना बरेलवी का नाम लिया, क्योंकि उस वक्त में ये चीजें थी नहीं, ये तो बाद की चीजें हैं। आपने फरमाया, मा अना अलैहि वसहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर जिंदगी गुजार के चला जाएगा वो जन्नत में जाएगा। ये मेयार है सीधा, हमने उस मेयार को छोड़ दिया, उस मेयार से हम बहुत दूर चले गए। ना हम नबी की जिंदगी पर हैं, ना हम सहाबा की जिंदगी पर हैं, ना हम कुरान की जिंदगी पर हैं, इसलिए हमारे अंदर ये सारी चीजें पैदा हो। लेकिन हम ये कैसे कह देते हैं कि, मतलब मैंने तो यही सुना है हमेशा से अपने घर में भी और कई जगह पर, कि अमाल की वजह से जन्नत या दोजख में जाएंगे। ये अब अचानक से मुसलमान सिर्फ जन्नत में जाएंगे और बाकी कोई नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो और चाहे कोई मुसलमान कितना भी बुरा इंसान हो। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं जी, सिर्फ रिलीजन की बेस पे जो है वो जन्नत मिलेगी, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये इस किस्म की बातें कब से शुरू कर दी हम लोगों ने, और इसकी क्या, मतलब क्या आप समझते हैं कि क्या सच्चाई है? नहीं देख, इसमें इसमें दो चीजें, एक चीज तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन قال لا اله الا الله فدخل الجنه, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया वो जन्नत में जरूर जाएगा। जन्नत में जरूर जाने का मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी थी और जन्नत में औरतों की सरदार होंगी, उन्होंने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अब्बा जान, हम जैसे दुनिया में आपके साथ रहते हैं क्या जन्नत में भी आपके साथ होंगे? तो आपने फरमाया कि बेटी, सजदों के साथ मेरी मदद करना, यानी नेक अमल करना, अगर नेक अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी। उसके बाद एक वाकया और मैं आपको बताता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने तकरीबन दुनिया में 950 साल या 1150 साल एक रिवायत के मुताबिक दीन का काम किया, अल्लाह को अल्लाह की वहदानियत पर काम किया, उनके जमाने में चंद लोग इतनी मुद्दत में उन पर ईमान लाए। उसके बाद में ये हुआ कि तूफान नूह आया और सारी दुनिया में पानी पानी हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, ये जो मेरे मानने वाले और आपके मानने वाले हैं, इनका क्या करूं? तो फरमाया कि एक कश्ती बनाओ और इसमें इनको सबको सवार। जब कश्ती बन के तैयार हो गई और उन्होंने अपने मानने वालों को सवार कर लिया, तो एक बेटा था आपका नूह अलैहिस्सलाम का, वो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था, हालांकि वो बेटा था। वो बाप होने के नाते नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, ये मेरा बेटा, इसका क्या करूं? तो कुरान में यह है कि लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ने फरमाया कि ये आपका बेटा नहीं है, क्योंकि ये आप पर ईमान नहीं लाया, इसको छोड़ दीजिए। तो जहां ईमान का पैमाना है, ईमान का पैमाना यह है कि जो ईमान ले आएगा अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, वो जन्नत में जरूर जाएगा, लेकिन आमाल की सजा भुगतने के बाद जाएगा। जो आदमी ईमान नहीं लाया वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं है, कुरान इस बात को कहता है। कुरान ये कहता है कि जो आदमी ईमान न लाए अल्लाह पर, रसूल पर ईमान न लाए, योम आखरत पर ईमान न लाए, फरिश्तों पर ईमान न लाए, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये ईमान की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम, आमाल की बुनियाद पर जन्नत में कब जाएगा कब नहीं जाएगा ये तय होगा आमाल की बुनियाद पर। ईमान की बुनियाद पर मुसलमान जन्नत में कभी ना कभी जरूर जाएगा, चाहे वो अपनी अमाल की सजा भुगतने के बाद ही सही। काफिर जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है, यानी दुनिया में ही जो गैर मुस्लिम है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, वो दुनिया में ही उनके लिए जन्नत है, और उनसे दुनिया में, क्योंकि हम देखते भी हैं जो अल्लाह को नहीं मानता वो दुनिया में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उसके पास बहुत सारा माल भी होता है, सब चीजें उसके पास आशाइश की होती है, लेकिन जो आदमी जितना अल्लाह के नजदीक होता है उतना ही आजमाइशों में रहता है, उतना ही उसके पास दुनिया ज्यादा नहीं होती। उसकी दो वजह होती है, एक तो वो अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ ध्यान ज्यादा होता है, दूसरे अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास आजमाइशें आती हैं। और अल्लाह ने यूं फरमाया कि जैसे दुनिया मोमिन के लिए नहीं है, ऐसे ही आखरत यानी जन्नत गैर मुस्लिम के लिए नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानता।
लेकिन हमने तो यहाँ पाकिस्तान में देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या मौलानाज हैं, जो चाहे तारिक जमील साहब हों और कई दूसरे, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जो करोड़ों के घर में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करते हैं, और वो नाम भी अल्लाह का ही इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह का कहना चाहिए रिलीजन को बिजनेस के तौर पे चलाते हैं कि आप उनको देते जाइए, नजराने लोग देते हैं, औरतें अपने जेवर तक दे देती हैं। तो मैंने तो नहीं देखा कि अगर कोई मौलाना हो और यहाँ पे वो किसी तकलीफ में हो। जो भी पाकिस्तान में एक बार रिलीजन को, हिंदुस्तान क्योंकि कभी गई नहीं, वहां का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान में तो जो रिलीजन बेचते हैं वो बहुत आराम से हैं और बहुत ऐश कर रहे हैं। मैंने तो किसी को तकलीफ में नहीं देखा। लेकिन नॉन मुस्लिम जो है, वो चाहे जितना अच्छा इंसान हो, कितना भी नेक इंसान हो, आपके हिसाब से वो नहीं जा सकेगा जन्नत में। लेकिन इस्लाम के आने से पहले जो लोग थे, इस्लाम तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले कई दूसरे मजाहिब थे जो दुनिया में थे, उन लोगों का क्या होगा? उनको तो पता भी नहीं कि इस्लाम क्या चीज है, या कोई चीज आए, कोई मजहब आएगा इस्लाम का, उससे पहले के लोगों का क्या होगा? कि आपने दो चीजें, दो सवाल किए हैं। एक सवाल ये किया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जो मालदार हैं, और एक सवाल आपने ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितने लोग थे उनका क्या होगा। इसका जवाब मैं पहले आपको देता हूँ। उसका जवाब ये है कि दीन इस्लाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आया। दीन इस्लाम तो हजरत आदम अलैहि सलाम, जो सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान थे, वो भी इस्लाम लेकर आए थे। इस्लाम शुरू से है। इस्लाम 1400 साल के बाद नहीं आया। इस्लाम इस्लाम तो आदम अलैहि सलाम के जमाने से है, लेकिन उसमें आमाल की, नमाज की, रोजे की हैयत अलग होती थी। उस वक्त में 5 नमाजें नहीं थी, रोजा 1 महीने का नहीं था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हुआ है। तो दीन इस्लाम को मानने वाले हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ये अलग बात है कि कुर्बे कयामत में अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि जब तक एक भी ईमान वाला, अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में रहेगा, कयामत नहीं आएगी। तो जितने पहले लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने लोग नबियों को मानने वाले थे, वो भी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोग उस कैटेगरी में आते हैं, नंबर एक। दूसरे, आपने कहा कि उलमा तो आज भी जो लोग, आपने तो बड़ी बात कही कि जो लोग दीन को बेचते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देवबंदी लोग जिनको मानते हैं, जिनके बताए हुए तरीके पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, कुरान के बाद में जो मसाइल उन्होंने बताए हैं कुरान से और हदीस से निकाल कर, उनको हम फॉलो करते हैं देवबंदी लोग, तो वो भी बहुत बड़े मालदार आदमी थे। ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि जो भी अल्लाह के करीब होगा वो सारे के सारे आजमाइश में रहेंगे। ऐसा नहीं मैंने कहा। कुछ लोग हर जमाने में ऐसे रहे हैं कि मालदार भी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने, जैसे हजरत हमारे एक मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, कि उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। वो ऐसे थे कि दुनिया को ठोकर मारते थे, और उनका एक बहुत मशहूर वाकया है कि भाई एक साहब जो है अशरफियों की थैली भरकर उनके पास लाया और कहा कि हजरत ये आपके लिए है, तो आपने लेने से मना कर दिया। तो उसने कहा भाई मैं अब लेकर कहाँ जाऊं, मैं तो आपके लिए लेकर आया था। तो हजरत ने कहा भाई ये लोग जो मेरे मानने वाले हैं, मेरे मुरीदीन हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर किसी को जरूरत हो। उस आदमी ने उनसे पूछा तो उन लोगों ने भी मना कर दिया, क्योंकि हजरत ने मना कर दिया तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो वो आदमी दरवाजे से बाहर निकला और हजरत की जूतियों में डाल के चला गया। जब आप किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए, आपने देखा कि जूतियां तो अशरफियों से ढकी हुई हैं, तो आपने जूतियों को निकाला और यूं कहा कि कमबख्त दुनिया हमारा, हमारी जूतियों में, हमारे पैरों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके पास माल है, आज भी हैं और पहले भी थे। तो ये कहना कि साहब जो लोग दीन बेचते हैं उनके पास पैसा आता है, ऐसा नहीं है। ये हर आदमी के सोचने के का अंदाज है, हर आदमी के सोचने का फर्क है। जैसा मैं चश्मा लगाऊंगा वैसा मुझे सामने वाला नजर आएगा, एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि जैसा मेरा दिल होगा वैसा ही मैं सामने वाले को महसूस करूंगा।
लेकिन एक चीज और है कि जैसे हम कह आप बता रहे हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे ना, वो जन्नत में जाएंगे, और चाहे वो जितने मर्जी अच्छे इंसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुसलमान जाएंगे। तो जो दरगाहें हैं, जो हमारे यहाँ की जो होते हैं मजार होते हैं, उस पे तो हिंदू भी बहुत ज्यादा जाते हैं इंडिया में तो, स्पेशली पाकिस्तान में शायद इतना ना हो रिवाज, क्योंकि हमने तो खैर माइनॉरिटी को इतना छोड़ा ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है। लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा जाते, तो आपके ख्याल से अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छिपा चढ़ाना, कब्र पे जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। जो लोग मुसलमान करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो गैर मुस्लिमों से इस तरह का पैसा ले रहे हैं नाजायज दीन के नाम पर, वो भी गलत है। दूसरे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए गैर मुस्लिम का आखिरत में हिस्सा नहीं है, वो जो नेक अमल करेगा, जो भी अच्छा काम करेगा, उसको दुनिया में ही अल्लाह उसका बदल दे देगा। और आप देखते हैं कि जो लोग दुनिया के अंदर गरीबों को खाना खिलाते हैं, भंडारे चलाते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं उनको अल्लाह अल्लाह बहुत नवाजता है, उन गैर मुस्लिमों को अल्लाह बहुत देता है, और वो बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि वो नेक अमल कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो नेक काम करना अलग चीज है, अल्लाह ईमान लाना अलग चीज है। जन्नत जो है मोमिनीन के लिए है, ये हदीस कहती है, ये कुरान कहता है, हम उसी चीज को मानते हैं जो कुरान कहे, जो हदीस कहे। मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए जन्नत है, बल्कि कुरान कहता है और हदीस यानी अल्लाह के नबी ने भी ऐसा कहा है। तो जो लोग ईमान नहीं लाते, अगर वो नेक अमल करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे अमल करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला दुनिया में ही नवाजता है, और बहुत नवाजता है, हम देखते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग कब्र परस्त हैं, जो कब्र की पूजा करते हैं, जो कब्र पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं उन लोगों को बुरा समझता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई चीज, देखिए अगर कब्र पूजने की चीज होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोअज्जज हमारे लिए कोई भी नहीं है, सहाबाए कराम से ज्यादा मोअज्जज हमारे लिए कोई भी नहीं है। हम उनकी कब्रों को पूजते, जब उनकी कब्रों को हम नहीं पूजते तो आगे जो पीर फकीर हैं उनकी कब्रों को पूजना कहाँ से जायज हो गया, कहाँ से मसला इन लोगों ने निकाला है और कहाँ से ये रिवाज पड़ा है, ये बहुत बाद की देन है। मैंने कहा कि जैसे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से और सहाबाए किराम के जमाने से दूरी होती चली गई, दीन से लोग दूर होते चले गए, और दीन के अंदर ये बिदात, ये खुराफात, ये इस तरह की चीजें पैदा होनी शुरू, और ये उन मौलवियों ने की है जिन्होंने अपना पेट पाला है। मैं आपकी बात को इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ, आपने तो चूंकि नाम लेकर कहा, मैं नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं बगैर नाम के कह रहा हूँ कि जो लोग अपने पेट पालने के लिए दीन के अंदर बिदात और खुराफात पैदा करते हों, उन आलिमों से अल्लाह बचाए, उन आलिमों से अल्लाह बचाए, उन आलिमों से अल्लाह बचाए। आपने हदीस की बात की तो मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि वो हदीसों पे यकीन नहीं रखते और उनको शक है कि इस तरह की कोई बात की गई है, और उन्होंने इस्लाम में रिफॉर्म की भी बात की। तो आपके ख्याल से कोई रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम के अंदर, और हदीस की जो उन्होंने बात की, क्या आप उस बात से मुत्तफिक हैं कि वाकई में उन हदीसों पर हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि कई उसमें से गलत भी हैं बकौल उनके, क्राउन प्रिंस के। आप मुझे बताइए, शराब खाने खुलवाना कौन सा रिफॉर्म है इस्लाम में, या जुआ खाना खुलवाना कौन सा रिफॉर्म है इस्लाम में? इस्लाम में तो शराब पीना जायज, शराब पिलाना जायज, शराब को इशारे से बताना जायज कि वो रखिए आप पी लो, या उसको लाकर देना, ये सब हराम है। जुआ खेलना हराम है, ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है। ये रिफॉर्म कहाँ है, इसको रिफॉर्म नहीं कह सकते आप, माफ कीजिएगा, जो आपने सवाल किया है ये सवाल ही गलत है। रिफॉर्म उसको कहते हैं कि जायज चीज में अगर कोई गुंजाइश है तो आप उसको करिए, आप उसको करिए, तो उसको रिफॉर्म कहते हैं। एक नाजायज और हराम काम को आप इजाजत दे रहे हैं तो वो रिफॉर्म नहीं है, वो तो आप लोगों को दीन इस्लाम से बहकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम किए हैं वो और दीन से हटकर है, कुरान से हटकर है, नबी की जिंदगी से हटकर है,
मुझे इस बात के कहने में कोई दो राय नहीं है, न मैं इस बात से डरता हूँ। शायद चूंकि ये मैं वीडियो आप जाहिर बात है तमाम आपका सोशल साइट पर जाएगी, तो मैं बिल्कुल दो टो की बात कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो दीन से हटकर हैं, और मोहम्मद बिन सलमान को अपने वालिद और जितने पहले बादशाह गुजरे हैं उन लोगों की जिंदगी पढ़नी चाहिए कि सऊदी में आज तक ना तो बुरके पर पाबंदी हटी थी, ना शराबखाने कभी खुले थे, ना सिनेमा घर खुले थे। उस आदमी की बदनसीबी को क्या कहिए जो आदमी मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत देते, उससे बड़ा बदनसीब आदमी कौन हो सकता है। ये मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो, क्योंकि यहूदी जो है दीन इस्लाम को खत्म करने के दर पे है। यहूदी जो है दीन इस्लाम और मुसलमान को उनके अंदर बदामालियां पैदा करके, उनके अंदर खराबियां पैदा करके इस तरह की चीजें दीन इस्लाम में लाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये आदमी यहूदी नस्ल से हो। जैसे आपने देखा था ISI का सरगना, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ये तो खलीफा खिलाफत की बात करता है, वो कौन था? एक यहूदी था, इलियाट शमून था या है, हम तो ये भी नहीं कह सकते वो मर गया है जिंदा है, वो इलियाट शमून, उसने जो है खिलाफत का दावा किया और उसने मुसलमानों को मारा, अल्लाह अकबर कहकर मारा मुसलमानों को। तो मेरा मानना यह है कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको अपने दीन पर नजरे सानी चाहिए। वो कैसे मुसलमान है जो शराब खानों की इजाजत दें, वो कैसे मुसलमान है जो तवाइफों को नाचने की इजाजत दें, वो कैसे मुसलमान है जो मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत दें। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे मुसलमानों से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कुर्ब कयामत की निशानियां हैं, ये कुर्ब कयामत की निशानियां हैं कि मदीने के अंदर या मक्के के अंदर सिनेमा घर खुलें, शराब खाने खुलें, जुआ खाने। और मेरे सुनने में ये आया है, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, कि वो एक ऐसी सिटी एक ऐसा शहर भी बनवा रहे हैं जहां इस्लामिक लॉ नहीं चलेगा, वहां वो जमहूरी होगा, यानी वहां